नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 35 ईयर्स एक लेडी का, जो पेशे से टीचर है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है। और ये जानना चाहते हैं कि वही कि इनके परमानेंट जॉब कब तक आज हो जाएगी, जॉब या बिजनेस कौन सी इनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। दूसरी, ये इनकी मैरिड कब होगी, मैरिज कब होगी, मैरिज अभी तक नहीं हुई है, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो वही नॉर्मल सी सवाल है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल लाइन की ओर कि इनके जॉब किस तरह का हो सकती है, कैसी जॉब में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, वो हम लोगों को लाइन से ही मिलेगी। तो इनके माइंड लाइन तो शुरू हो रही है जुपिटर से, लंबी भी ठीक ठाक है। तो जुपिटर माउंट से शुरू होने वाली माइंड लाइन काफ़ी अच्छी रहती है, ऐसे लोगों के एम्बिशन काफ़ी हाई रहते हैं और एम्बिशन को ये सक्सेस भी कर पाते हैं, जो इनके एम्बिशन है उस तरफ ये अच्छी तरह से जा भी पाते हैं। तो ये अच्छी इंडिकेशन दिखी। माइंड लाइन की जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ की हम लोगों को दिख रही है। ऐसे लोग परमानेंट काम होते हैं, करते हैं, लेकिन परमानेंट काम करने के साथ साथ ये सपोर्ट में, साइड में भी कुछ करते हैं। तो आपके ऐसे पाम हैं जिसमें आप लोग दो प्रोफेशन ज़रूर कर पाते हैं। तो दो प्रोफेशन आपकी ज़रूर रहेगी, जॉब रह सकती है, जॉब के साथ साथ बिजनेस रह सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जॉब ही करनी है तो 10-12 साल में आप लोगों की जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में आप लोग चले जाते हैं। एक लॉन्ग पीरियड तक इंटरवल लेते हैं और कुछ लॉन्ग टाइम तक एक जगह पे काम करने के बाद आप लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे लोगों को जनरली अगर ये परमानेंट काम है तो जो ट्रांसफरेबल जॉब होती है, कहीं पर 8-10 साल काम कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर वो छोड़ देते हैं। किसी भी तरह से ऐसे लोगों के एक बीच बीच में चेंजेस होती रहती है। अगर ये सिंगल प्रोफेशन में रहे तो आपको हमेशा डबल प्रोफेशन में रहना चाहिए। तो ये तो रही आपकी किस तरीके का काम हो सकती है। हाँ, परमानेंट काम होने के चांसेस आपकी पाम में हमें क्लियरली दिख रही है। दूसरी, आपकी जो लाइन्स है ना वो काफ़ी मोटी है, बहुत ज़्यादा डीप और मोटी कट से है। ख़राब इंडिकेशन नहीं है ये, लेकिन ये एक तरीके का काम में आपकी सक्सेस को दिखाती है। किस तरीके का काम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी की ज़रूरत हो, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल एनर्जी की जहाँ पे ज़रूरत हो उस फील्ड में आपको सक्सेस दिलाती है। ऐसे लाइन्स सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन आपको हमेशा फिज़िकल एनर्जी वाला काम, जैसे कि ग्रुप डी का काम होती है, ग्रुप सी का काम होती है। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर आपकी जॉब की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेगी। तो गवर्नमेंट की जॉब की अगर आप ट्राई करेंगे तो ग्रुप सी और ग्रुप डी का कीजिएगा, वो जॉब पाने के चांसेस आपके पाम में सबसे ज़्यादा हमें दिख रही है। तो उस तरीके का जॉब में कोशिश कीजिएगा। अभी हम लोग इधर देख लेते हैं आपके फिंगर के सेटिंग्स क्या कह रही है। थंब लंबी है, ऐसे लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस अच्छी तरह से कर पाते हैं। लॉजिक पार्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो प्लानिंग भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे आप। विल पावर भी छोटी नहीं है, तो एग्जीक्यूशन भी, काम प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। तो लॉजिक पार्ट लंबी होने के कारण लॉजिक के लिए आप बेहतर तरीके से बातें कर सकते हैं। लोगों के साथ अगर डिबेट में चले जाएंगे तो डिबेट में भी आपकी जीत हो जाएगी, क्योंकि डिबेट वाली लाइन भी यहाँ पे दिख रही है क्लियर। और प्लानिंग भी बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं ये पार्ट बड़ी होने के कारण, और खुद जाके मेहनत भी आप कर पाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मेहनत भी आप काफ़ी अच्छी कर पाएंगे। लेकिन लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण ग्रुप डी में, जहाँ पे 100% फिज़िकल काम ही रहती है, तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन नहीं रहेगी। आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगी कि बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप सी का काम। तो ग्रुप सी का ही जॉब में आप ज़्यादा मेन फोकस कीजिए, उसी की पढ़ाई कीजिए, उसकी प्रिपरेशन लीजिए, उसमें आपकी ग्रुप सी का जॉब हो जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा आपकी पाम में हमें यहाँ पे दिख रही है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है क्रॉक है, क्रॉक मतलब इस तरह से बेंट अगर दिखे हम लोगों को फिंगर, उसे क्रॉक कहते हैं। तो क्रॉक अगर इंडेक्स फिंगर हो, ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। इन लोगों के हाथ के नीचे बहुत सारे लोग इजीली काम कर पाते हैं, तो आपके भी ऐसे चांसेस ज़रूर आएंगे जहाँ पे आपके नीचे, हाथ के नीचे कुछ लोग ज़रूर काम कर पाएंगे। क्योंकि ग्रुप सी में सुपरवाइज़र का भी पोस्ट आते हैं, तो उस तरीके का पोस्ट में भी आपका जॉब मिल जाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। दूसरी, आपकी इंडेक्स फिंगर है जो सन की फिंगर से लंबी है, 1 मिलीमीटर हो लंबी, लेकिन अगर इंडेक्स फिंगर सन की फिंगर से लंबी हो जाती है तो ऐसे लोग फॉर्चुनेट होते हैं। किस तरीके से, ऐसे लोगों के भरपूर ज़िंदगी में भरपूर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ज़रूर मिलती है। तो आपको भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, परमानेंट जॉब की ज़रूर इंडिकेशन जब भी आएगी आपको क्लियर, हम लोग एज कैलकुलेशन में देखेंगे, लेकिन उसकी चांसेस ज़रूर आएगी, आपको मिलने की चांसेस भी हम लोगों को दिख रही है। अपॉर्चुनिटी भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आएगी और लीडरशिप क्वालिटी भी बेहतरीन है।
सटन की फिंगर हल्की सी सन के फिंगर के ऊपर ढल रही है और सन की फिंगर सटन के फिंगर के ऊपर ढल रही है। इस तरीके से दोनों के दोनों फिंगर बेंट होके अगर आपको पाम में दिखे तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं होती है। ये सटन की फिंगर चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए और सन की फिंगर चाहता है कि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए। तो ये लोग पैसे और रिस्पेक्ट में उलझते रहते हैं। कभी पैसे के लिए इन लोगों की इच्छा रहती है, कभी रिस्पेक्ट के लिए। तो इसी तरीके से ऐसे इन लोगों की ज़िंदगी चलती रहती है। कभी इन लोगों को ज़्यादा पैसे की इंपॉर्टेंस रहती है ज़िंदगी में, कभी रिस्पेक्ट की। तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं। इस तरीके का अगर फिंगर की सेटिंग आप लोगों को दिखे, छोटी फिंगर बहुत ही ज़्यादा छोटी पड़ गई, ये आपको ना इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इतनी छोटी होने के कारण कम्युनिकेशन आपके बहुत ज़्यादा पुअर रहेंगे और पब्लिक स्पीकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 35 ईयर्स आपके हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी जो मुझे लग रही है कि अभी तक आपके कम्युनिकेशन में वीकनेस है। छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा पतली भी है, इससे भी ये छोटी फिंगर, ये जो मार्केट की फिंगर है, ये वीक हो रही है। तो ये सारे वीकनेस के कारण आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बड़े बड़े जो पदों पे बैठे होते हैं उन लोगों से कैसे बातें करने हैं, इंटरव्यू में बोर्ड में जाके इंटरव्यू कैसे फेस करना है, पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बोलना है, ये सारे के आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो इंटरव्यू बोर्ड में जाके आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएगी इस कारण। तो और एक चीज़ करेंगे, एमआरएंड होती है पन्ना, पन्ना जिसे कहते हैं इंग्लिश में एमआरएंड कहती है, वो 5-6 कैरेट अब अच्छी ब्राज़ीलियन के जो पन्ना होती है उसको लीजिएगा। सोने में आप इस छोटी फिंगर में ज़रूर पहनिएगा, उससे आपकी थोड़ी ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये धीरे धीरे बिल्ड होता हुआ दिखेगा। तो आपके लिए पहली जो स्टोन रहेगी वो रहेगी एमरल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं हिंदी में। वो आपको करीब करीब 4-5 रत्ती तो मिनिमम लेनी है, जितनी बड़ी हो उतनी बेहतर, लेकिन 4-5 कैरेट मिनिमम, और ब्राज़ीलियन होना है उसे, ठीक है। ब्राज़ीलियन का पन्ना सबसे अच्छी रहती है, वो पन्ना ज़रूर ले लीजिएगा। अभी हम लोग चलेंगे मार्केट माउंट की ओर। मार्केट माउंट को देखेंगे, खड़ी लाइन बहुत सारी है, अच्छी इंडिकेशन है, लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ऐसे लोगों की हीलिंग क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। मार्केट की माउंट बाहर की ओर जा तो रही है लेकिन मार्केट की फिंगर इतनी ज़्यादा छोटी होने के कारण मार्केट की माउंट भी थोड़ी पावरलेस हो जाएगी, तो आपके लिए बिज़नेस बढ़िया ऑप्शन नहीं रहेगा। इतना छोटा मार्केट फिंगर है तो बिज़नेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जॉब में ही ज़्यादा फोकस कीजिए। और ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा कोई परमानेंट मार्केट लाइन भी हम लोग को यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रही है जो बिज़नेस को बढ़ावा देगी। तो आपके लिए जो मेन करियर ऑप्शन रहेगी वो जॉब ही रहेगी। एनालिसिस की क्षमता भी अच्छी है आप में, अकाउंट्स की पावर भी अच्छी है, बिजनेस सेंस भी अच्छी है, लेकिन बिजनेस को सक्सेस देने की गारंटी नहीं दिलाती है अगर इतनी छोटी आपकी ये छोटी फिंगर हो जाए तो। बिजनेस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2-3 तरीके का प्रोफेशन कीजिए, प्राइवेट ट्यूशन दीजिए, उसके साथ साथ जॉब कीजिए, ये सारे चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे एक टूटी हुई फेम वाली हम लोगों को साइन दिख रही है, जो फिश साइन होती है यहाँ पे, अगर फिश साइन हो तो ऐसे लोगों को फेम बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये फिश साइन अगर कंप्लीट होती है तो आपको इंटरनेशनल फेम भी मिल सकती है किसी ना किसी काम में। ये एक अच्छी साइन आपकी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन अभी ये टूटी हुई है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट हो तो इस तरीके का आपको देखेंगे कि आपका फेम भी बढ़ता जाएगा काम की जगह पर, और आप काफ़ी फेमस भी हो जाएंगे अपने सोसाइटी एरिया में। यहाँ पर लॉजिक लाइन है, एक्सपीरियंस लाइन हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस जो आपके हैं उसको अगर आप काम में लाएंगे तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी और उससे आप पैसे भी भरपूर कमा पाएंगे, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। सैटर्न माउंट बिल्कुल फ्लैट है, हल्की दबी भी हुई है जो प्लस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा कोई खड़ी लाइन सैटर्न माउंट में दिख नहीं रही है। तो धन रेखा का अभाव होने के कारण कभी कभी धन की कमी आएगी आप में, और ऐसा भी हो सकते हैं कभी कभी आपको दूसरे से पैसे भी लेने की ज़रूरत हो जाए, तो उसकी कंडीशन आपके सैटर्न माउंट पे हमें यहाँ पे दिख रही है। जुपिटर माउंट में जाएंगे, ठीक ठाक है जुपिटर माउंट, और एक बहुत ही अच्छी इस तरीके का हम लोग को देख रहे हैं कि सलमन रिंग है। तो ऐसे अगर लाइन हो तो काम के प्रति अच्छी निष्ठा रहते हैं ऐसे लोगों के, धर्म के प्रति भी निष्ठा रहती है, जो मिस्टिकल साइंस वगैरह रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री, उन लोगों में इन सारे सब्जेक्ट में भी ऐसे लोगों का विश्वास रहते हैं। मार्स माउंट कैसी है, ठीक ठाक है, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही हम लोग को ज़्यादा जगह मिलती हुई दिख रही है, उभरी हुई भी है। तो इस तरीके का मार्स माउंट हो तो आप लोग फील्ड में अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती है। आप लोगों की बॉडी एनर्जी या बॉडी पावर भी अच्छी खासी रहती है, एनर्जेटिक आप लोग हमेशा रहते हैं। वेनस माउंट बिल्कुल लग्जरी लाइन नहीं है,
जो लग्जरी लाइन रहती है, लेकिन खड़ी लाइन है। तो खड़ी लाइन अगर वेनस माउंट में हो तो ऐसे लोगों को जो जिस तरीके से मेहनत करते हैं उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलती है। मून माउंट आपकी पावरफुल है, इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी अच्छी है और छोटी छोटी ट्रैवल लाइन भी दिख रही है, तो ट्रैवल आपकी होती रहेगी और फिनेंशियल गेन के लिए अगर ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है। अभी हम लोग चलेंगे फिर से आपके एक बार मेन लाइन की ओर। हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन ठीक ठाक है, आपकी पावरफुल हार्ट लाइन है जो यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर के बीच में रुक रही है। तो ऐसे लोग ना ही दूसरे का नुकसान करते हैं, ना ही खुद का नुकसान होने देते हैं, खुद को भी बचाते हैं और दूसरों का भी ये नुकसान नहीं करते हैं। इसी तरीके का इनका नेचर है। दोनों के लाइन दो इस तरीके जा रही है और एक ही जगह पे ये एंड भी हो रही है, तो नेचर इनके ऐसी ही रहेगी। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है हार्ट लाइन से, दो लाइन फॉल हो रही है और दोनों के दोनों लाइन ही इस तरह से माइन लाइन को कट रही है। यहाँ से भी एक लाइन फॉल हो रही है जो माइन लाइन को कट रही है। तो माइन लाइन को कटती है अगर इस तरीके का हार्ट लाइन की फॉर्मेशन, तो उन लोगों के मैरिज रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होती है और इस तरीके से काटते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। कभी कभी डाइवोर्स का भी चांसेस बन जाती है। उसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर थंब की नीचे से कोई लाइन आके इस तरह से काटे लाइफ लाइन को, तो ऐसे लोगों की डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दो जो चांस हम लोगों को दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है कि आपके डाइवोर्स होने के कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। आपके अभी तक शादी नहीं हुई लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके डाइवोर्स होने के कनेक्शन दिख रही है। ऐसा भी हो सकती है कि आपकी शादी नहीं हुई लेकिन बहुत ज़्यादा कोई गहरा रिलेशनशिप आपका टूट चुका है जो करीब करीब डाइवोर्स की समान ही होगी। तो उस तरीके का अगर इवेंट हो चुका है आपकी ज़िंदगी में, उसको भी आप इसके अंदर ले सकते हैं और उसको भी ये समझ सकते हैं कि वो एक कनेक्शन थी आपकी जो टूट चुकी है इस लाइन के कारण। तो ये रिलेशनशिप के ब्रेकआउट की इंडिकेशन होती है जो आपके पाम में क्लियरली हमें दिख रही है। माइन लाइन हम लोग पहले ही बता चुके हैं जुपिटर माउंट से शुरू होने वाली, काफ़ी एम्बिशियस बनाते हैं और एम्बिशन को ये सक्सेस भी कर पाते हैं, अपने एम्बिशन को अचीव भी करने के काबिल होते हैं जिन लोगों के इस तरीके से माइन लाइन बिल्कुल जुपिटर माउंट से शुरू होती है। तो ये माइन लाइन काफ़ी अच्छी है कैरियर के लिए, कैरियर में आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। आपकी माइन लाइन और लाइफ लाइन की गैप बहुत ज़्यादा बड़ी है, देखिए कितनी ज़्यादा गैप बन रही है ये दो लाइन में से। इतनी ज़्यादा गैप बनती है तो आप लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपका जो भी डिसीजन हो आप खुद ले, कोई भी उसके बीच में इंटरफेयर ना करे। इसी तरीके का आपका एक इंडिपेंडेंट नेचर रहते हैं। अगर कोई बीच में वहाँ पे इंटरफेयर करते हैं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगती है। अगर आपके जो आपके लिए अगर कोई दूसरे डिसीजन ले रहे हैं और वो आपको बिल्कुल आपको पसंद ना आए, चाहे वो आपके रिलेटिव में कोई भी हो, आप उस डिसीजन को स्वीकार नहीं करते हैं, आप अपने ही डिसीजन को ही अपने लिए एप्लीकेबल बनाते हैं। मतलब जो डिसीजन आप खुद लेते हैं उसी के ऊपर आप अमल करते हैं, दूसरे के डिसीजन आप उतनी ज़्यादा लेने की जगह पे नहीं रहते हैं या लेने की कोशिश नहीं करते हैं। आपकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन ठीक ठाक है, इस तरह से आके फेथ लाइन से मिलने से थोड़ी ही पहले ख़त्म हो रही है। तो ये दिखा रही है कि आपके कम्फर्ट जोन से आप नहीं है, बिल्कुल कम्फर्ट जोन होते होते ही बच गए आप। तो ये एक अच्छी साइन है, आपके लाइफ लाइन में कम्फर्ट जोन नहीं हो रही है, तो आप घर के करीब भी जाके भी आपको सक्सेस मिल सकती है। लाइफ लाइन बहुत ही राउंड शेप में बन रही है, ऐसे लोगों के एनर्जी और इम्यून पावर काफ़ी अच्छी रहती है। उसके ऊपर आपके पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है, वो है ये मार्स लाइन। आपकी लाइफ लाइन बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है लेकिन उसके बाद ये मार्स लाइन एंजल लाइन जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपकी लाइफ लॉन्ग चल रही है। तो कोई भी एनर्जी की कमी कुछ भी नहीं होगी आपकी लेटर एज में जाके भी, जो अगर लाइफ लाइन ख़त्म हो जाए तो थोड़ी एनर्जी की कमी को दिखाती है जो आप में नहीं होगी, क्योंकि आपके एंजल लाइन जो है वो काफ़ी पावरफुली और स्ट्रांगली जा रही है आखिर पार्ट तक। ये एक अच्छी इंडिकेशन है आपके ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए, चाहे फिनेंशियल हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम हो, वो भी इसको ये मैनेज करने की कोशिश ज़रूर करेगा हमेशा। ये एक अच्छी इंडिकेशन आपके पाम में दिख रही है। आपकी फेथ लाइन नीचे से ही शुरू हो रही है तो अर्लीस्ट से ही कैरियर की शुरुआत दिखा रही है, लेकिन शुरुआत में अगर ये फेथ लाइन देखेंगे तो ये फेथ लाइन इस तरह से जा रही है, उसके बाद इस तरह से जा के इस तरह से लहरदार बन रही है। ये लहर ख़त्म हो रही है करीब आपकी इस एज के करीब, नहीं इस एज के भी करीब नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी लहर है, थोड़ी घुमाव है। तो यहाँ पे आके आपकी बिल्कुल घुमाव ख़त्म हो रही है और यहाँ पे आपकी
जो फेथ लाइन है वो बिल्कुल एकदम सीधी जा रही है। तो इस तरीके का जो कंडीशन आपके पाम में बन रही है वो बन रही है करीब करीब 32-33 से ही आपकी फेथ लाइन काफ़ी अच्छी है और अच्छी तरह से आगे चल रही है। तो यही से लेके आपकी करियर की नई जो चैप्टर है वो शुरू होनी चाहिए। शायद उसी एज पीरियड में आपको जो ये जो पेशेंट जॉब कर रहे हैं वो मिल चुका होगा, या फिर उससे भी पहले मिल सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता था, क्योंकि आपकी फेथ लाइन ठीक ठाक ही थी पहले से, थोड़ी बस घुमावदार थी, लेकिन 33 से ही आपकी फेथ लाइन काफ़ी अच्छी है। तो सक्सेस आपको कभी भी मिल सकती है। अगर हम लोग लाइफ लाइन से भी देखें कि लाइफ लाइन में एक असेंडिंग लाइन है जो किस एज में दिखा रही है, तो लाइफ लाइन में भी जो असेंडिंग एज है उसके नीचे ही एक राहु लाइन भी है। तो ये जो एज थी आपकी करीब करीब 33, आपकी 33 ईयर्स एज में एक दिखा रही थी, बहुत बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी थी ज़िंदगी की, जो आपकी मिस हो गई है, क्योंकि ये राहु लाइन भी उसी टाइम पीरियड में जहाँ से ये लाइन उठा वहीं पे ये इतनी बड़ी और गहरी राहु लाइन काट भी दिया। नहीं तो 33 ईयर्स एज में ही आपको बहुत बड़ी और अच्छी जॉब मिल जाती और आप बेहतरीन जॉब अभी कर भी रहे होते, परमानेंट जॉब। वो हुआ नहीं क्योंकि ये राहु लाइन उस टाइम पीरियड में ये कट गई। अभी आपकी एज है 35 के अगर हम लोग देखें तो उसके करीब नॉर्मली चल रही है, करीब करीब 38 के करीब और एक राहु लाइन कट रही है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने के चांसेस दिख रही है, करियर से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है 38 ईयर्स एज में, थोड़ा संभल के रहिएगा। 35 ईयर्स एज आपकी एज अभी चल रही है जो यहाँ पे है, आपकी करीब करीब 36-37 ईयर्स एज में एक नई लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, ये एक अच्छी साइन है। एक मिनट दीजिए, 37 जहाँ पे ये राहु लाइन कट रही है और ये फेथ लाइन आगे चल रही है इस तरीके से, और इसके साथ साथ एक सिस्टर लाइन भी शुरू हो रही है। ये एक अच्छी इंडिकेशन है जहाँ पे आपकी दिखा रही है कि उस टाइम पीरियड में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है आपके करियर के मामले में। तो अभी से आप प्रिपरेशन ले लीजिए, 35 हो चुकी है, 36 मतलब और डेढ़ साल के करीब है जहाँ पे आपकी ये सिस्टर लाइन शुरू होगी, उस टाइम पीरियड में आते आते आपके एक नई जॉब मिल सकती है और वो परमानेंट, जो आपकी जो परमानेंट जॉब की चाह है वो ज़रूर होने के चांसेस हमें वहाँ पे दिख रही है। तो प्रिपरेशन लेते रहिए, डेढ़ साल की एज है और 36 एंड हाफ में आपकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में ज़रूर आती हुई हम लोगों को दिख रही है। तो ये रही आपकी करियर की एनालिसिस। आपको ग्रुप सी वाला काम में ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस तरीके का काम आपको मिल जाएगी और मिलने के चांसेस भी है। आपकी एम्बिशन काफ़ी हाई है, तो देखिए ग्रुप सी में काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर तक ग्रुप सी में ही काम करेंगे। आपकी पाम की अभी जो सिचुएशन बन रही है वो ग्रुप सी वाले जॉब के लिए बन रही है। ऐसा ज़रूर हो सकता है, 100% हो सकती है कि उस जॉब में जाने के बाद आपकी प्रमोशन होता रहे और आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलता जाए और आप हायर पोस्ट में जाए, तब आपके धीरे धीरे आपकी लाइन की बनावट भी चेंजेस होती रहेगी। जब आपकी प्रमोशन होती रहेगी लाइन की भी चेंजेस होती रहेगी, लेकिन प्रेजेंट लाइन के सिचुएशन से ही है कि आपके लिए ग्रुप सी जॉब अभी के लिए ठीक है। तो ग्रुप सी के जॉब में प्रिपरेशन ले लीजिए, 26 एंड हाफ के करीब वहाँ पे आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिख रही है। और बहुत कुछ इस पाम में नहीं है, हम लोग थोड़े आपका मैरिज का एज कैलकुलेशन कर लेते हैं किस टाइम पीरियड में आपकी शादी होने के चांसेस है। तो यहाँ पे ये आपकी पाम है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तीन लाइन है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये जो दिखा रही है कि मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन, पहली वाली जो लाइन है वो शुरू हो रही है करीब करीब 34 ईयर्स एज, ख़त्म हो रही है 36 ईयर्स एज। तो 34 से 36 जहाँ पे आपकी शादी होने के चांसेस की पूरा पूरी हम लोग आसार दिख रही है। तो इसी एज पीरियड में और एक साल है आपके शादी हो जाने के लिए, तो इस टाइम पीरियड में शादी आपकी ज़रूर होने के चांसेस हम लोग को दिख रही है और एक साल के अंदर। अगर ये नहीं होती है तो थोड़ी लेट हो जाएगी, करीब करीब ये जो लाइन आ रही है 38 और उसके बाद तो 42 के करीब हो जाएगी। तो इसी अगले एक साल के अंदर शादी होने के चांसेस आपकी पाम में सबसे ज़्यादा दिख रही है, एक डेढ़ साल के अंदर आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से एक बार वार्न कर देता हूँ आपकी पाम को, अगर आपकी ऐसा कोई गहरा रिलेशनशिप का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बहुत ही गहरा रिलेशनशिप की ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी इंडिकेशन आपके पाम में दिख रही है। एक इस तरीके से लाइन आ रही है, एक इस तरह से कट रही है, एक यहाँ से आ रही है और ये जो लाइन, ये इन्फ्लुएंस लाइन आके लाइफ लाइन को कट रही है।
तो ये जो सिचुएशन बनती है ये डाइवर्स का ही कनेक्शन बनती है जो आपके फॉर्म में दिख रही है। अगर कोई बहुत गहरा रिलेशनशिप आपका टूट चुका है तो बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप टूट जाएगा ऐसा नहीं होती है। बहुत ज़्यादा गहरी रिलेशनशिप टूट गई है तो शादी आपकी ठीक ठाक ज़रूर होने के चांसेस दिख रही है। तो आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, पन्ना MRL ज़रूर लीजिएगा, उससे आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी। और बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जॉब ही अच्छी खासी है, जॉब ही कीजिए। जॉब करना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ग्रुप सी वाला जॉब आपके लिए अभी के सिचुएशन में, अभी की प्रेजेंट के पाम के हिसाब से सबसे बढ़िया इंडिकेशन है। 36 एंड हाफ एज के करीब आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो 36 37 36 ईयर्स एज के करीब जो नई लाइन इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है, नई सिस्टर लाइन आ रही है, वो आपको ज़रूर एक जॉब दिला पाएगी। तो इसी के साथ साथ रखते हैं आपकी पाम के एनालिसिस को, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का मेरा चैनल देखने के लिए।